तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आँख किस जानवर की है, या फिर यह कि किस कलर की गाड़ी का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है? चलिए दोस्तों, यह तो जानते ही होंगे कि टाइपिंग टेस्ट में इसी सेंटेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत सफ़र। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने जाइलोफोन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जाइलोफोन में जाइलो वर्ड का मतलब क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जाइलो वर्ड ग्रीक वर्ड जाइलान से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है वुड, यानी कि लकड़ी, और फोन का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जिसका मतलब है साउंड। तो जाइलोफोन का मतलब हुआ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लकड़ी से बनाया गया है। तो दोस्तों, क्या आपने जाइलोफोन की ट्यून को कभी सुना है? तो दोस्तों, मैं आपको सुनवा देता हूँ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम जब भी कभी मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते समय हमारे दांत तो ज़रूर दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस बच्ची के दांतों के बीच में काफ़ी गैप है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गैप को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस गैप को डाइस्टिमा कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको यह छोटी सी जानकारी पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कभी टाइपिंग टेस्ट करते हैं या फिर टाइपिंग का कोर्स करने के लिए जाते हैं, तो हमें हमेशा इसी सेंटेंस को देखने को मिलता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सेंटेंस में क्या खास बात है? तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस की खास बात यह होती है कि इन सेंटेंसों में ए से लेकर जेड तक सभी लेटरों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इनमें सभी अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं, और ऐसे सेंटेंस को पैंग्राम सेंटेंस या फिर होलो अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस कहा जाता है। और दोस्तों, आप इसके कुछ उदाहरण या एग्जांपल देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन आई काफ़ी छोटी होती है, जिसका डायमीटर लगभग 1 इंच के बराबर होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी आँख किस एनिमल की है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी आँख एक फिश की है, जिसका नाम है जियंट स्क्वाड। और दोस्तों, ज़मीन पर रहने वाले जीवों में सबसे बड़ी आँख ऑस्ट्रिच की होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आजकल सड़क पर गाड़ियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण एक्सीडेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, कई कारों का एक्सीडेंट होता रहता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा किस कलर की कार का एक्सीडेंट हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ब्लैक कार का होता है, फिर उसके बाद ग्रे, फिर ब्लू, फिर रेड और ग्रीन कार। फिर अगर बात करें कि सबसे कम एक्सीडेंट किन कारों का होता है, तो वो कार हैं वाइट कलर की कार, और येलो कलर की कार, और ऑरेंज कलर की कार, और गोल्ड कलर की कार। इन कारों का एक्सीडेंट सबसे कम होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि फेमस फिल्म स्टार या फिर किसी फेमस खिलाड़ी के पीछे बहुत से कैमरामैन दौड़ते रहते हैं उनकी एक फ़ोटो के लिए। तो दोस्तों, ऐसे कैमरामैनों को पेपराज़्जी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि इंडिया के लोग अगर 75 साल तक जीते हैं, तो वहीं जापान के लोग 85 साल तक जीते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, जिससे आप समझ सकेंगे कि किस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा तक जीते हैं, तो दोस्तों आप इस डाटा में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हांगकॉन्ग के लोग जीते हैं, जो कि 85.29 ईयर तक जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जापान है, जिनके लोग 85.03 साल तक जीते हैं। और वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो इस नंबर पे आता है मकाओ, और हमारा इंडिया 136वें नंबर पे आता है, जहां के लोग लगभग 70.42 सालों तक जीते हैं। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों आपने कई प्रकार के फोबिया के बारे में सुना होगा, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फोबिया है जिसमें लोगों को चिड़ियों से डर लगने लगता है और उस फोबिया को कहते हैं ऑर्निथोफोबिया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने लायन को देखा होगा और वहीं टाइगर को भी देखा होगा, पर दोस्तों क्या आपने कभी लाइगर को देखा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे एनिमल हैं जो कि हाइब्रिड एनिमल हैं। जैसे कि आपने काऊ देखा होगा और बाइसन भी देखा होगा, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों से जो बने हाइब्रिड एनिमल हैं उन्हें बीफालो कहते हैं, और वहीं फीमेल जेब्रा और मेल डंकी से जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है उसे जोंकी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको जो इमेज दिख रही है उसमें आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर लिखा गया है, और जिसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का टाइम, और आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें नंबर लिखा गया है 1246, यानी कि 1246। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर आपको बड़े ही आसानी से दिख जाएंगे। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने इसका आंसर ज़रूर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं।